आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डीएक्स। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब आपको थोड़ा हम बैक ले चलते हैं पीछे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका होता है बेटा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका फार्मूला है 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका होता है बेटा 1/a टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये तो तीन आपके स्क्वायर नॉन स्क्वायर रूट हो गया। तीन फार्मूले आपके सेम इसी टाइप के हैं। स्क्वायर रूट को 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इसका होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा अगला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये है बेटा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ए स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अपने क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6। ध्यान से देखिए, जितने भी फार्मूले आप देख रहे हो उसमें अंश में कहीं भी एक्स का कोई टर्म नहीं है। साफ 1/1/ समथिंग लिखा हुआ है। ओके, बट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा उस पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें डिलीट करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए आप जानते हो, अगर हम कंसीडर करेंगे, जो भी कंसीडर आप करोगे उसका हमें डिफरेंशियल करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर डीएक्स कोई फंक्शन था जिसका डिफरेंशियल हो चुका है, यानी उसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर है। अब आपको पता लगाना है कि एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल है। ओके, तो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल है? एक्स की पावर 3 का। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है, यानी एक्स एन माइनस वन इसकी पावर कम हो जाएगी। इसलिए हम इसको करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप कुछ कंसीडर, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, देन x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। यहां से देखिए, ये मेरा t हो गया, ये मेरा 1/3 हो गया। तो अब स्वरूप कैसा बना क्वेश्चन का, dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। टेक दिस फार्मूला, इस फार्मूला को देखिए कौन सा लगेगा इसमें। यहां से देखिए कौन सा लगेगा, ये वाला। तो क्या है फार्मूला, 1/2a, a means हो गया 1, log 1 plus t upon 1 minus t plus c, 1/6 log t की वैल्यू क्या है बेटा, x cube, लास्ट में हम t की वैल्यू रख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7। सेवन नंबर दिया है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे हलवा, हलवा की तरह साफ करिए इसको, ये मिलेगा बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ऊपर से सेपरेट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ओके चलिए x इसको हटाइए यहाँ से, सब क्या करेंगे हम, लेट x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू t, डिफरेंशियल करिए, 2x dx, 1 का डिफरेंशियल 0 dt, मींस x dx इक्वल टू क्या मिला बेटा, हाफ dt, क्या मिला, हाफ dt, ये हो गया बाहर हाफ, इसके जगह वो क्या हो गया हाफ dt, इसके जगह क्या हो गया t, एक बन गया आपका dt अपॉन रूट टी। इधर आप फार्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो ये लगेगा, क्या है फार्मूला, लॉग एक्स प्लस सवाल आपका ये हो गया प्लस सी, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस रूट सवाल। चलिए पावर ऊपर ले जाओ तो पावर होगा t की पावर माइनस हाफ dt, इसका आप डिफरेंशियल इधर बेटा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, चलिए थोड़ा हम बैक आपको ले चलते हैं, रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये हो जाएगा हाफ टू रूट टी माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू जो आपकी दिया हुआ टी आप क्या किए हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये बेटा हमारा यही सफिशियंट आंसर है। अब आपके पास बस दिख रहा है आपको आठ और नौ, ये भी आप बहुत आसान है, इसको हम क्या करेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, ए क्यूब इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको हम टी मानेंगे डी टी आ जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको टी मानिएगा बेटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ी आसानी से फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक, यहीं तक था, थैंक यू।